दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीसी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो दोस्तों मैं ऐसे में आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, एक बहुत अच्छी खबर है। काफ़ी टाइम से जो सीसी वीएलई की चिंता विषय था कि इच्छा थी कि हमारा जो डिजीपे का एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से हम कैश विड्रॉल करते हैं, मनी ट्रांसफर करते हैं, उसके भीतर कैश डिपॉजिट का भी ऑप्शन दिया जाए। इससे पहले कुछ टाइम पहले इसमें सर्विस जोड़ी भी गई थी, उसके बाद बंद कर दिया गया था डिजीपे में। लेकिन अभी दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि सीएससी डिजीपे के माध्यम से अब 23 बैंकों के जो भी ग्राहक हैं उनके खाते में आप पैसे जमा करने का भी काम कर सकते हैं, निकालने के साथ में। तो इस डिजीपे में जो कैश डिपॉजिट की सर्विस लाइव हुई है, उसको कैसे एक्टिवेट करना है, क्या है, उसके बारे में जरूर से बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं सबसे पहले दिखा देता हूं, अभी सीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी दिनेश त्यागी सर ने भी यहां पे ट्वीट करके बताया है कि सीसी वीएलई के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि कैश डिपॉजिट सर्विस डिजीपे में लाइव कर दी गई है। ये देखोगे 26 नवंबर 2021 आज की डेट को इन्होंने ट्वीट करके बताया है कि वीएलई कैन फैसिलिट कस्टमर्स टू डिपॉजिट मनी टू देयर बैंक अकाउंट यूजिंग डिजीपे, ठीक है। और ये सर्विस जो है लगभग 23 बैंकों में जारी की गई है, जिनमें आप जो है ये आप पैसा जमा कर पाएंगे, ठीक है। तो इस सर्विस को कैसे एक्टिवेट करना है, क्या करना है, उसके बारे में बताने से पहले आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों में जरूर पहुंचाइएगा। और अगर आप वीएलई सोसाइटी मोबाइल ऐप पर नए हैं तो अभी जाके जरूर डाउनलोड करिए, इससे भी आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि डिजीपे में कैश डिपॉजिट सर्विस लाइव हुई है, तो ये एक काफ़ी अच्छा अपडेट मुझे लगा। अगर आपको भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा। और इस सर्विस को कैसे एक्टिवेट करना है, किस तरीके से क्या है, उसको बताने के लिए मैं लिए चल रहा हूँ आपको वीएलई सोसाइटी की वेबसाइट पे। और यहाँ पे जाने के बाद लेटेस्ट न्यूज़ सेक्शन में आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा, हालांकि लिंक मैंने दे दिया है डायरेक्टली वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जहाँ से जाके कैश डिपॉजिट सर्विस लाइव इन डिजीपे वाला पोस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको बताया गया है कि कैश डिपॉजिट किस तरीके से करना है डिजीपे के भीतर और क्या क्या चीज़ें हैं। और यहाँ पे त्यागी सर वाला वो ट्वीट भी लगा दिया है, अगर आपको ट्विटर पर ढूंढने से ना मिले तो यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पे देखो प्रोसेस भी लिखा हुआ है, हाउ टू डिपॉजिट कैश इन अ बैंक अकाउंट यूजिंग डिजीपे, ठीक है। तो यहाँ पे डिजीपे के भीतर जो आप पैसा जमा कर पाएंगे, तो 10,000 रुपये पर कस्टमर पर डे ही आप जमा कर पाएंगे। और इसके भीतर कैसे कितना पैसा आप जमा कर सकते हैं डिजीपे के माध्यम से बैंक अकाउंट्स में, वो आपके पासबुक सेक्शन में दिखता रहेगा। जितना भी बैलेंस अवेलेबल होगा उतना ही जमा कर पाएंगे, और कैश विड्रॉल अमाउंट के हिसाब से ही आपका जो है कैश डिपॉजिट सर्विस चलेगा। कहने का मतलब, आप जो है जितना कैश विड्रॉल करेंगे उतना आपके पासबुक में आ जाएगा वैलेट में डिजीपे के, और उतना ही पैसा आप डिपॉजिट कर सकते हैं दूसरे लोगों में, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देके भी समझाया गया है कि अगर मान लीजिए आप किसी का 500 रुपये विड्रॉल करते हैं और फिर वो आपके पासबुक सेक्शन में दिख जाएगा, क्योंकि आपने उसका पैसा निकाला है और आपके डिजीपे वैलेट में दिख जाएगा, फिर आपको क्या करना है, अब आप जो है 100 रुपये से लगा के 500 के बीच में कोई भी अमाउंट, यानी 500 रुपये तक का अमाउंट किसी के भी बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं। तो अभी अगर ये अमाउंट ज़्यादा है जो भी आप जमा करना चाहते हैं, कि मान लीजिए आपके पास डिजीपे में 2,000 रुपये है, आपके पास कोई आता है 10,000 रुपये जमा करने के लिए, तो क्या आप कर सकते हैं, आप सेल्फ कैश विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब अपने ही अकाउंट से आप जो है विड्रॉल करेंगे पैसा, तो वो आपकी लिमिट बढ़ जाएगी और इस तरीके से आप कस्टमर के अकाउंट में डिजीपे के थ्रू बैलेंस जमा कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पुराना जो इंटरफेस था कुछ इस तरीके दिखता था डिपॉजिट वाला, अभी इस तरीके का है, अभी अर्निंग का क्या है प्रोसेसर किस तरीके से सारा सब कुछ मिल जाएगा। और डिजीपे की जो भी रिसिप्ट वगैरह होती है पेपर बचाने के लिए, आप थर्मल प्रिंटर से भी प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा, उसको जाके देख लेना। और अभी इस सर्विस को एक्टिवेट कैसे करना है, तो यहाँ पे सिंपली से आपको आ जाना है डिजीपे की वेबसाइट पे, और डिजीपे की वेबसाइट पे आके आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि कौन सा वर्जन यहाँ पे अभी चल रहा है। तो देखोगे यहाँ पे 6.1 वर्जन दिखा रहा है। अब मैं अपना डिजीपे का एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ कि वहाँ पे ऑप्शन मुझे आया है या नहीं आया है। सबसे पहले आ गया हूँ अपने कंप्यूटर में, और यहाँ पे मैंने डिजीपे एप्लीकेशन ओपन करने के लिए डबल क्लिक कर दिया है। और यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे देखोगे आपको सीएससी आईडी दिख जाएगा, उसको प्रोसीड करेंगे तो फिर आपका जो भी मोबाइल है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा डिजीपे को लॉगिन करने के लिए। और वन टाइम पासवर्ड आप जनरेट करने के बाद यहाँ पे वन टाइम पासवर्ड जो भी आता है वो डालेंगे, और वो ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपली से अपना फिंगरप्रिंट इसको टिक करके दोबारा से सबमिट कर देना है। और जैसे आप फिंगरप्रिंट से ऑथेंटिकेशन करेंगे अपना डिजीपे को खोलने के लिए, तो इस तरीके का डिजीपे का इंटरफेस खुल जाएगा। तो अभी देखो मेरे सामने जो डिजीपे खुला हुआ है इसमें कैश डिपॉजिट का ऑप्शन ही दिख रहा है। और यहाँ पे जो मैं वर्ज़न की बात करूँ डिजीपे का, तो यहाँ पे मेरा लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल है, देखोगे नीचे तो 6.1 ही है। वेबसाइट पे आने के बाद भी मैंने जैसे दिखाया कि यहाँ पे भी वर्जन 6.1 ही चल रहा है, यानी कि अभी जो सीएससी के माध्यम से ये
कैश डिपॉजिट की सर्विस लाइव की गई है, वो अभी तक जो नेक्स्ट अपडेट आए या इसमें भी जो भी वर्क होना है बैकएंड से वो टीम कर रही है। तो अभी काफ़ी सीसीबीएलई भाइयों को ये सर्विस का एक्सेस नहीं मिला है, लेकिन ये विद इन वन वीक के भीतर सभी सीसीबीएलई जितने भी हैं जिनका सिविल स्कोर वगैरह ठीक है और ठीक ठाक ट्रांजेक्शन करते हैं डिजिपे के माध्यम से, उन सभी को ये कैश डिपॉजिट का सर्विस ऑप्शन मिल जाएगा। और अलग से अगर इसमें कुछ भी आपको करना हुआ या सॉफ्टवेयर वगैरह इसका दोबारा से अपडेट करना हुआ किसी तरीके से, तो वो मैं ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। और हमारे वीली सोसाइटी मोबाइल ऐप पर नहीं है तो ज़रूर डाउनलोड करिएगा, यहाँ से भी आप सीएससी संबंधित तमाम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।